तो ओके अभी हम रिची की जेल को हैक कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या वो आ पाएगा बाहर। ओके तो यार ये नाचने क्यों लग गए मेरे को समझ नहीं आ रहा है। अरे भाई क्या हो गया यार। यार यहाँ पे 5 स्टार की पुलिस पड़ चुकी है, तुम देख सकते हो। हे ड्रीम आर्मी, क्या हाल है तुम सब लोगों के। मैं तुम सबका होस्ट ड्रीम बॉय, बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो आज हम खेलने वाले हैं GTA 5 की कॉपी, और गाइज आज फाइनली रिची को हम बचाने वाले हैं, प्रिजन एस्केप करने वाले हैं। तो गाइज वीडियो तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, वीडियो को पूरा देखना, हमने शॉर्ट आउट भी दिया है। तो चलो यार बिना वेस्ट करने टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस अभी हमारा गेम यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, और जैसे कि तुम सब लोगों को पता है हमारी लैम्बोर्गिनी पिछले वाली वीडियो के अंदर गायब हो चुकी थी। यस वो जो माफिया था उसने हमारी पूरी लैम्बोर्गिनी को ख़त्म कर दिया था। तो अभी यहाँ पे हमारे पास एक बाइक है और हमें क्रिल के पास जाना है। तो भाई भगाते हुए चलते हैं यहाँ पे, फटाफट से बूस्टर लगा दिया मैंने। ओ भाई अमेजिंग। ओ गाइस ओके ओके ओके, सो ये बाइक को रॉकेट बना दिया और बिल्कुल क्रिल के इधर ही आए हैं हम। बहुत बढ़िया, क्या लैंडिंग करी थी भाई मेरी बाइक ने। तो फटाफट से क्रिल के पास चलते हैं और देखते हैं अभी ये क्या कहने वाला है। कुछ ना कुछ तो काम पहले करवाया गया तभी रिची को बचाया गया, ऐसा ही है। तो यहाँ पे इसने हमें बताया कि यार मतलब कुछ हे गैंग की वजह से पुलिस वुलिस का कोई चक्कर हो गया, तो मुझे अपने आप को एक अच्छा बंदा दिखाना है। वैसे मैंने हे गैंग की वाट लगा दी थी पिछली वाली वीडियो में, बट अभी मुझे एक अच्छा बंदा बनना है। तो अभी डूबर, यस ऊबर होता है रियल में बट ये डूबर है, तो डूबर के अंदर मुझे एक टैक्सी ड्राइवर बनना है। तो फटाफट से टैक्सी वगैरह उठानी है और बंदों को ड्रॉप करके आना है। और ये है वो कार गाइस, ये गोल्डन मेराडो की तरह लगती है ना बिल्कुल, जो पबजी के अंदर आती है मीरामार मैप के अंदर। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे बंदे को उठाते हैं, पिकअप करते हैं, और मेरे को 3 बंदे छोड़ के आने हैं। तो फटाफट उन तीनों को छोड़ के आते हैं अब। तो यहाँ पे मैं उन तीनों को छोड़ के आ चुका हूँ, और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो किरिल के पास फिर से चलते हैं। और अभी ये हमसे कहने वाला है कि हाँ भाई पूरे टाउन में हमारे चर्चे चल रहे हैं कि तुम्हारी ड्राइविंग कितनी बढ़िया। तो अभी टाइम आ चुका है हैक करने का, और अभी यहाँ पे किरिल हैक कर रहा है जेल को, जो प्रिजन जिसमें हमारा भाई रिची फंसा हुआ है। तो अभी देखते हैं क्या होने वाला है। तो गाइस तुम लोग कमेंट्स करके बताओ क्या हम आज रिची को बचा पाएंगे, फटाफट से गाइस कमेंट कर दो, मैं तुम्हारे कमेंट्स का वेट कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखते हैं कि क्या होने वाला है। यार ये प्रिजन हैक हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। ओके सो यहाँ पे हमारा बंदा किरिल जो है वो हैक कर रहा है, ठीक है देखते हैं अभी क्या होने वाला है। ओके तो गाइस प्रिजन एस्केप करवा दिया, भाई बंदे नाचने लग गए हैं भाई, बहुत हार्ड यार किरिल का स्टेप बहुत मस्त लग रहा है भाई। ठीक है तो यहाँ पे इसने रिची को बचा लिया है जेल से, उसे एस्केप करवा लिया है, बट अभी अच्छे से एस्केप नहीं करा हमने। तो फटाफट से अब हम स्विच करेंगे अपने करेक्टर को, और अभी हम लोग रिची भी बन सकते हैं। ठीक है तो फटाफट से हम लोग रिची बनते हैं अब। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से स्विच कर लिया है और मैं अब रिची बन जाऊँगा, और अब मैं जेल के अंदर आ जाऊँगा। जैसे तुम देख रहे हो यार कितना ज़्यादा अमेजिंग गेम है ये भाई, जितनी तारीफ करूँ कम है। और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो पुलिस वगैरह के सायरन है, और 5 स्टार की पुलिस आ चुकी है तुम लोग देख सकते हो ऊपर। तो फटाफट से मैं तुम्हें दिखाता हूँ यार कितना बढ़िया व्यू आ रहा है ना, अगर ऐसे लेते हैं तो। सेल्फी ले रहा है भाई, देख रहे हो तुम लोग क्या यार, अपना ही स्वैग है अलग वाला। तो ठीक है फटाफट से यहाँ से निकलते हैं, और एक बंदा और था ये वाला जो फंसा हुआ था हमारे साथ, भाई तू भी बाहर आ जा। ओके यार ये बेचारा ऐसे ही खड़ा हुआ तब से। ठीक है हम लोग बाहर चलते हैं फटाफट, और यहाँ पे यार ये लेज़र लाइट वगैरह, हेलीकॉप्टर आ चुका है। ओके अरे भाई ये क्या अभी भी नाच रहे हैं ये तीनों, तो भाई कैसे पुलिस वाले हैं ये, नाच रहे हैं अभी तक। तो पुलिस पड़ चुकी है मेरे पीछे, पीछे काफ़ी सारे पुलिस के बंदे आ रहे हैं। और यहाँ यहाँ ओके ओके यहाँ पुलिस की कार है, ओ भाई ऊपर हेलीकॉप्टर घूम रहा है, मेरे पास ग्रेनेड है, ग्रेनेड फेंकते हैं फटाफट से, ये कार पीछे नहीं छोड़ेगी यार। ओ भाई 4 पुलिस वाले आ गए हैं पीछे भाई, ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सीन हो गया है। यहाँ नेड कर दिया मैंने फटाफट, भाई इधर से निकलते हैं यार मैं, अरे भाई नहीं निकल पाऊँगा मैं। फटाफट से चीट एक्टिवेट करते हैं ड्यूड बोल्ट, जिससे कि हम बहुत फास्ट हो जाएंगे। ये भाई तुम्हारे भाई को कमेंट सेक्शन में से मिला था, एक बंदे ने कमेंट करके बताया था मेरे को, थैंक यू ब्रो, अगर आपने बताया था तो थैंक यू ड्यूड। तो ओके सो यहाँ पे फटाफट से मैं कार ले लेता हूँ, मेरे को यहाँ से एस्केप करना है अब फटाफट। अरे भाई ये कार ना पुलिस के पीछा नहीं छोड़ रही है यार, बहुत अमेजिंग है यार, बहुत तेज भक्ति है। तो फटाफट इधर से निकलते हैं हम, और हम जहाँ तक है एस्केप कर ही लेंगे यार। ओके सो यहाँ पे, अरे भाई नहीं ये तो भाई उड़ गई हवा में भाई, वाह मस्टैंग है ये, मस्टैंग ऐसी दिखती है थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत हाँ पूरी भी नहीं थोड़ी बहुत। अरे भाई 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 पलट दिया यार, अरे भाई ठीक है हम लोग एस्केप करने ही वाले थे, बट यार ये बस दे मेरे को तू, ये बस वाले ने सारा काम खराब कर दिया मेरा। दे भाई बस, बस दे दे इधर आ। अरे अरे ये क्या हुआ मेरे भाई, अरे अच्छा पुलिस वाले भाई, अमेजिंग डूड, बंदे ने क्या मारा, 5 स्टार की पुलिस अपने पीछे बढ़ चुकी है। और मैं बहुत घबरा रहा हूँ इस वक्त कि यार ये हमारी हेल्थ ख़त्म ना कर दें, अगर इसने हमारी हेल्थ, अरे भाई 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 अमेजिंग डूड, ये पुलिस वाले ना यार पागल हो चुके हैं भाई। भाई उठने का मौका तो दो, मारे जा रहे हो मारे जा रहे हो,
अरे ये भीड़ से मैं बच गया इस बार, चलो अच्छी बात है, फटाफट से इधर से निकलता हूँ मैं। ओके सो ये पुलिस वाले यार दो दो कार आ चुकी हैं और इनके बीच में से निकल रहा हूँ भाई मैं। ओके भाई बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो चुका है, तो यार मेरे को कोई ना कोई यार कुछ ना कुछ गाड़ी बाइक तो कुछ ना कुछ चाहिए ही होगा यार, तभी मैं बच पाऊँगा वरना नहीं बच पाऊँगा। देखते हैं क्या सीन चल रहा है। अभी पुलिस पीछे आ चुकी है, हेलीकॉप्टर पीछे लग चुके हैं, 5 स्टार की पुलिस गाइस फायरिंग कर रही है मेरे ऊपर लगातार। बट यहाँ पर मेरे पास एक एबिलिटी है जिससे मैं फ्रीज कर सकता हूँ हर चीज़ को, मतलब हेलीकॉप्टर वगैरह जो कार वगैरह होंगी वो फ्रीज हो जाएंगी थोड़े टाइम के लिए, और ये एबिलिटी है रिची के पास ही। और ऐसी ही एबिलिटी थी हमारे कैरेक्टर वन के पास जिसके अंदर सब कुछ स्लो हो जाता था, स्लो मोशन में स्लो मोड, और हम भी स्लो हो जाते थे। बट यहाँ पे हम फ्रीज नहीं होते, इधर सामने वाला फ्रीज हो जाता है, तो ये रिची के पास एक अच्छी एबिलिटी है। तो देख सकते हो तुम लोग हेलीकॉप्टर वगैरह सब अभी रुक चुके हैं, भाई निकल। और ये थोड़े टाइम के लिए रहता है, ज़रा टाइम के लिए रहता नहीं है, और हम इस्केप कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं। इस्केपिंग लेवल हमारा डिक्रीज होता जा रहा है। तुम लोग ऊपर देख सकते हो डॉलर के नीचे जो ब्लू कलर की लाइन है वो रेड कम होता जा रहा है, भाई ठीक है, फटाफट से हो जाएगा इस, और हम इजीली जा रहे। साउंड बहुत तगड़ा है भाई। ओके सो हम लोग ने इजीली इस्केप कर लिया है, वाह पुलिस वालों से तो बच गए हैं हम। बट ये साउंड खत्म क्यों नहीं हो रहा है यार, ये साउंड ना अंदर से टेंशन देता है कि पीछे तुम्हारा कोई पड़ रहा है गाइस, भागो। सस्पेंस तो नहीं कह सकते इसे कह सकते हैं एक टेंशन देने वाला साउंड। ओके सो अभी हम आ चुके हैं रिची के घर में, और ये है रिची का घर, तुम लोग देख सकते हो। डेस्टिनेशन ले लेते हैं यहाँ पे फटाफट। ओके सो ये ओके गाइस, तो यहाँ पे क्या वेलकम कर रहे हैं ये लोग, ये रिची नाच रहा बीच में, वाह। ओके सो किरिल भी यहीं पे ही है, और जो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर था मैं उसका नाम भूला, जैक नाम था उसका, वो भी शायद यहीं पे ही है। तो भाई अमेजिंग वेलकम हुआ है हमारे भाई का, भाई नाच रहा फुल यार, प्रिजन एस्केप वगैरह सब कराया यार। गेम प्ले बहुत हार्ड था भाई, बहुत मस्त। तो जहाँ पे तुम लोग इनके अगर डांस मूव देखोगे ना तो बहुत अमेजिंग है, जैसे ये बंदा डांस कर रहा है यार, क्या मूव्स हैं इसके भाई, बहुत हार्ड देख सकते हो तुम लोग यार, मतलब फुल मौज कर रहे हैं ये। तो फाइनली हमने रिची को बचा लिया है, जो इतने टाइम से मतलब हम सोच रहे थे ना वो आज हमने फाइनली कर लिया है, और यहाँ पे मिशन कंप्लीट हो चुका है। तो गाइज अभी टाइम आ चुका है शाउट आउट देने का, और शाउट आउट जाता है आप सभी लोगों को जिन्होंने इतने बढ़िया बढ़िया कमेंट्स करे। गाइज ऐसे ही कमेंट्स करते रहो, आप लोग को शाउट आउट मिलता रहेगा। गाइज दिल से थैंक यू इतने बढ़िया बढ़िया कमेंट्स करने के लिए। तो अभी गेम प्ले को स्टार्ट करते हैं दोबारा से। तो ये है पूरा रिची का घर जो तुम देख सकते हो भाई लोग, क्या घर है भाई बंदे का, पूरा घर है भाई फुल है बढ़िया, जैक से तो बड़ा ही घर है इसका। और यहाँ पे फोटो फ्रेम्स रखे हुए हैं, ओए ऐसा फ्रेम तो यार जैक के घर में भी था एक, ये जो चाबी वाला है ये जैक के घर में भी था, बट ये दो एक्स्ट्रा हैं। तो ओके गाइज ये थी आज की वाली वीडियो, अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, चैनल बनाया हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल का आइकन भी दबा देना। तो ओके गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।